सो गाइस, आज क्लास 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए साइंस का। चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है ना, ऑप्शन है 2 से 3, 5 to 7, 7.02, 7.8 या फिर 9.02, 9.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7.02, 7.8। ठीक है, 7.02, 7.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, लाल, नीला, बैंगनी या काला। ठीक है, लाल, नीला, बैंगनी या काला, तो कौन सा कलर का होगा, ये बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, जब लिटमस पत्र न्यूट्रल में होता है तो वो बैंगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, ऑप्शन है खाने का सोडा, नौसादर, धोवन सोडा या फिटकरी। रक्त को रोकने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, खाने का सोडा, नौसादर, धवन सोडा या फिटकरी। तो इसका आंसर फिटकरी, ब्लड को रोकने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4.2H2O या CaSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O या इनमें से कोई नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कमेंट में इसका आंसर करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर CaSO4.5H2O। ठीक है, और जब इसे 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिप्सम बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। कठोरता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, धोवन सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, धोने का सोडा का यूज किया जाता है जल की कठोरता को हटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, नौसादर, खड़िया, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा। ठीक है, विरंजन के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, किसमें ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है, संतरा से, टमाटर, सिरका या इमली। तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर। ठीक है, टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो जब कभी भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब वह अम्लीय होगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान नॉर्मल होता है और नॉर्मल हमेशा 7 होता है, तो इसका पीएच मान 7 होगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3, Na4Cl, NaHCO3 या फिर NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, Na4Cl, NaHCO3 या NaCl। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, CaO या फिर CaOH होल टॉइस, CaCO3 या CA। तो बुझा हुआ चूना C
CaO होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCl2, CaO, CaOCl2 या CaOCl। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O, Na2CO.H2O, NaCO3.10H2O या NaCO4.10H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज C2H5OH या C6H12O6 या फिर CHO या C6H6। तो इसका राइट आंसर होगा C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी का डंक और नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक और क्या है, नेटल के डंक, चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही, इमली, सिरका या टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा दही। दही में सबसे ज़्यादा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? 6, 7, 8 या 14। इसका राइट आंसर होगा 7, क्योंकि उदासीन विलयन न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ठीक है ना, अम्ल से क्या होता है? प्रोटॉन देता है। इसका मतलब यह है कि एसिडिक नेचर जो होता है वो प्रोटॉन को लूज करता है, और बेसिक नेचर वाला जो होता है वो प्रोटॉन को क्या करता है? गेन करता है। क्षार क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के रिएक्शन से लवण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया से बनते हैं क्या? उदासीनीकरण क्रिया से लवण और जल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए, उसका नेचर को देखने के लिए लिटमस पत्र का यूज किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह अम्ल की प्रकृति है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह क्षार की प्रकृति है। ठीक है, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का प्रसार कितना और कितना होता है? तो पीएच स्केल का जो प्रसार होता है 0 to 14 होता है। ठीक है, 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, 14 जो होता है वो बेस होता है, और 0 to 7 जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, किस पीएच प्रसार से हमारा शरीर कार्य करता है? तो 7
से लेकर के 7.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयन हमेशा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने वाले जल को जल जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। यहाँ पे जल को दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl होता है साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है, चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच और उपचार ये कुछ अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि एसिड एंटीसिड है, ठीक है ना, अपच का उपचार करने के लिए एंटीसिड का यूज किया जाता है। एंटीसिड में क्या होता है? तो एंटीसिड में बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, और क्षार का जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, छारको का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो अम्लों को उदासीन करता है। क्या करता है? क्षारक अम्ल को उदासीन करता है, क्योंकि अम्ल के साथ जब क्षारक मिलता है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन हो जाता है, जैसे कि NaCl, ये एक न्यूट्रल का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.HAF2O। खट्टे स्वाद वाली वस्तु में कौन से पदार्थ पाया जाता है? तो खट्टे स्वाद वाले वस्तु में अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है, और टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है दही में एक्चुअल में। संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है। एंड चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, और नाटक करके कुछ है उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं? तो उसे एसिड रेन कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है ना। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है? ताजमहल का जो दीवारें है वो थोड़ा सा पीला कलर, मतलब कि उसके कलर चेंज हो रहा है, वाइट कलर दुधिया कलर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चिंता का जनक है, चिंता का विषय है एक प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन, अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताइए जो लीचेन से निकाला जाता है। तो लीचेन से जो निकाला जाता है उसको लिटमस विलयन कहा जाता है। अम्ल क्षारक का सूचक का नाम जो लीचेन से निकाला जाता है उसी को बोला जाता है लिटमस विलयन, ठीक है, जो अम्ल और क्षारक की प्रकृति की सूचना बताता है, सूचना देती है। नेक्स्ट, CaSO4.HAF2O का सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पत्र पर अम्ल का कायता प्रभाव पड़ता है। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो क्षार का लिटमस पत्र पर क्या करता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ एच टू ओ था, लेकिन इसमें CaSO4.2H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है, उदासीनी अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन होता है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जब होता है तो उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। लिटमस का स्रोत क्या है, तो लीचेन, लीचेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट, क्षार के पदार्थों का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। लिटमस की प्राकृतिक रंग बैंगनी कलर का होता है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों के विरंजन के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 41, प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए, हल्दी या लिटमस, प्राकृतिक सूचक का नाम हल्दी या लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है, तो क्षारकों को उदासीन करना अम्ल का मुख्य गुण है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन ही बनता है। खाने वाला सोडा किसे कहते हैं, तो बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है, तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आयन बनते हैं जब क्षार को जल के विलय किया जाता है, जब क्षार को जल में विलय किया जाता है, क्षार को जल में विलय करने से निगेटिव आयन या फिर OH- आयन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डाला जाता है तो क्या होता है, तो HCl एक प्रकार का अम्ल है जो मनुष्य के स्टोमक यानी कि आमाशय में पाया जाता है। तो नीले लिटमस पत्र को किसी भी अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है, नीले लिटमस पत्र लाल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए कौन सा यौगिक, हटाने के लिए कोई यौगिक का नाम लिखे, तो किस यौगिक का नाम से जल की कठोरता को हटाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की सहायता से जल की कठोरता को हटाया जा सकता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, धावन सोडा का जलीय घोल क्या होता है, धावन सोडा का जलीय घोल क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए, सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि पेट हम लोग का आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक
एसिड का यूज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टर करने के लिए तथा खिलौना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। जब कभी भी लाल लिटमस पत्र को नीला करता है इसका मतलब कि उसका वह विलयन क्षार प्रकृति का होगा, और क्षार प्रकृति हमेशा 7 to 14 के आसपास होता है, तो वह क्या होगा, 7 से अधिक होगा। और जब कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका मतलब वह एसिडिक नेचर का होगा, और वह एसिडिक नेचर जो है, अम्लीय नेचर जो है, 7 से कम होता है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होगा। टूटी हुई हड्डी को मरम्मत के लिए डॉक्टर किसका उपयोग किया करता है, तो डॉक्टर जो है टूटे हुए हड्डी का मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, और सख्त हो जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक स्रोत क्या है, एक्चुअल में इमली, टार्ट्रिक इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।